हाँ गाइस, तो अगर मैं अपने घर की किचन रेनोवेट करूंगा तो उस किचन के स्लैब पर मैं कौन सा पत्थर डालूंगा? क्या मैं नैनोवाइट डालूंगा, क्या मैं क्वार्ट्ज डालूंगा, क्या मैं टाइल डालूंगा, या ग्रेनाइट डालूंगा, या मार्बल डालूंगा? तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि मैं कौन सा पत्थर यूज करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंट कोच पे, और मैं हूं पेंट कोच एंड एंट बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रेक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो जब पत्थर सेलेक्ट करने की बात आएगी तो मैं कुछ पैरामीटर्स पे डिसाइड करूंगा कि मैं वो कौन सा परफेक्ट पत्थर है जो मेरे किचन के लिए बहुत सही रहने वाले हैं। क्या वो पत्थर स्क्रैच रेजिस्टेंट है? क्या वो पत्थर ऐसा तो नहीं उस पर हल्दी के दाग गिरे तो वो हल्दी का कलर वहां गिर जाए, या वाइन गिर जाए, या तेल गिर जाए तो ऐसा उसका दाग ना रह जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज डाल दिया और 5-7 बाद उसका कलर फेड हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चाय बना रहे हैं और अदरक को अगर कूट रहे हैं तो कूटते कूटते आपका पत्थर भी कूट जाए और उसमें क्रैक आ जाए? और जो भी हम आइटम चूज करके लगाने जा रहे हैं, क्या उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको पता होगा कि वो सही तरीके से कैसे लगेगा, कौन से उसके टूल्स होने वाले हैं, और साथ का कमाल की टिप्स जिनसे आपको हेल्प मिलेगी और आपके साथ मार्केट में स्कैम नहीं होगा, नहीं तो वो भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वार्ट्ज की। भाई, क्या क्वार्ट्ज स्क्रैच रेजिस्टेंट है? डेफिनेटली क्वार्ट्ज इज अ स्क्रैच रेजिस्टेंट स्टोन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेचकस या प्लास लेके उसको घिसने लग जाओगे। क्वार्ट्ज जो है वो नॉन पोरस मटेरियल, किसी भी टाइप के आइटम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्या क्वार्ट्ज का कलर फेड हो सकता है? यस, क्वार्ट्ज का कलर फेड हो सकता है अगर उस पे आपने गरम तवा या बर्तन रख दिया है जो बहुत ज्यादा गर्म है। तो यस, सिर्फ क्वार्ट्ज का जो मुझे एक लूपहोल लगता है वो यही है कि हाँ, इस पे गरम आइटम रखा तो ये खराब हो सकता है। स्ट्रेंथ की बात करें, वो जो अदरक अगर कूट रहे तो क्या क्वार्ट्ज अदरक और ऐसे वाली स्ट्रेंथ झेल सकता है? दैट्स राइट, क्वार्ट्ज जो है बहुत ही टफ मटेरियल है, इजीली क्रैक नहीं होगा। तो उसकी जो स्ट्रेंथ अगर नंबर दे तो 10 में से 8.5 नंबर उसको मिलेंगे। क्या क्वार्ट्ज जो है वो इजी टू क्लीन है? यस, जब वो कोई चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो उसको आप इजी टू क्लीन कर सकते हो। लेकिन भाई, क्वार्ट्ज लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना जो अब मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके लिए होनी क्या चाहिए? स्किल्ड मेजर। ये नॉर्मल टाइल पत्थर वाले के बस की बात नहीं है, जो नॉर्मल ग्रेनाइट टाइल लगाते हैं उनसे नहीं लगाना, इसकी टीम अलग आती है। दूसरा, इसके टूल्स अलग आते हैं, तो अपने ठेकेदार से पूछ लेना कि भैया आप इसको लगाओगे कैसे, मशीन कौन सी चलाओगे? और कहता है कि हाँ, टाइल काटने वाली मशीन से काट देंगे तो गलत, उसके सारे एजेस खराब हो जाएंगे। तीसरा, हमेशा ये लेवल में लगना चाहिए। अगर क्वार्ट्ज जैसे कोई भी पत्थर एकदम लेवल है या नहीं है, वो स्पिरिट लेवल बबल लेवल से चेक किया जाता है, तो आप खुद चेक कर सकते हो। सेंटर में बबल है तो मतलब मस्त लगा है पत्थर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि भाई, इसको कभी भी सीमेंट से नहीं लगाना है। क्वार्ट्ज सिर्फ और सिर्फ एडहेसिव से लगाना है। मैंने वीडियो बनाई हुई है एडहेसिव के ऊपर कि अगर 4x2 की टाइल लगानी है और अगर आपको 10 फुट हाइट तक लगानी है, कैसे लगानी, क्या लगानी, सारा केमिकल मैंने उसमें एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन में जाके देख लेना। नेक्स्ट जो टिप है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का क्वार्ट्ज लेना। भाई, नॉन ब्रांडेड में ले गए, लोकल किसी से ले लिया तो क्वार्ट्ज में हो जाएगी आपके साथ दिक्कत। नेक्स्ट आता है भाई ग्रेनाइट। भाई, ग्रेनाइट तो पुराना बाप, जब से आया है चले जा रहा है। तो ग्रेनाइट की अगर बात करें स्क्रैच रेजिस्टेंट की, तो ग्रेनाइट का स्क्रैच रेजिस्टेंट कुछ होता ही नहीं है। जो मेरा पुराना घर था उसके अंदर 2001 में उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, और कितना 2023 साल से उस घर के अंदर ग्रेनाइट किचन में लगा रहा, पर हमेशा साथ चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा, कलर फेड आज तक नहीं हुआ। ग्रेनाइट जो है वो बेस्ट इन क्लास है, इसके ऊपर कोई भी गर्म चीज आप रख दो, इसका कलर कहीं से भी फेड नहीं होने वाला है। ग्रेनाइट जो बनता है ना, वो एक तरीके लावा से बनता है। पहाड़ों में से जब उसको निकाला जाता है तो लावा जब बन के पत्थर बन जाता है, कितना भी गर्म रख लो, ग्रेनाइट को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 में से मिलेंगे इसको भाई पूरे 9 नंबर। अब आते हैं इसकी टिप्स की बात, जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। टिप्स क्या है? सिंपल सी, कि कोई स्किल्ड मेजर की जरूरत नहीं है, तो मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल केमिकल की जरूरत नहीं है, अगेन कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा, लेवल का जरूर ध्यान रखना, इसमें भी लेवल होना जरूरी है, नहीं तो ये टूट सकता है। नेक्स्ट, जो आपके साथ स्कैम होता है ना, जो आपके हार्ड अर्न मनी है, मतलब कि यार जो आपने सेविंग्स मेहनत से कमाया, और मुझे आज भी गुस्सा आता है कि यार कैसे आप लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है कुछ भी बोल के। ग्रेनाइट में दो क्वालिटी आती है, एक मार्बल होता है, एक ग्रेनाइट होता है। मार्बल पोरस पत्थर होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि ग्रेनाइट है वो नॉन पोरस है, मतलब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो नॉर्मल पत्थर आता है वो आता है 40-50-60 रुपए स्क्वायर फीट वाला, जबकि ग्रेनाइट की स्टार्टिंग होती है 90 या 100 रुपए से शुरू होती है बेसिक वाले की। तो इस चीज का ध्यान रखना, स्कैम मत होने देना अपने आप, नहीं तो आपके पैसे जो आप मेहनत से कमाए खराब हो जाएंगे। और दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता आता है, इजीली इसकी मैन पावर मिल जाती है, स्किल की जरूरत नहीं है, तो बजट जो है ऑलराउंडर सबसे सस्ता पत्थर यही पड़ता है। अब नेक्स्ट उनके लिए जो अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं भर भर के, मनीष जी ये बताओ नैनो व्हाइट पत्थर हम लगा ले क्या? लेकिन एक चीज, आप मेरे पे भी ट्रस्ट मत करना। भाई, मनीष बता रहा है क्या, सच बता रहा है कि झूठ बोल रहा है? आधी तो मैंने वीडियो, हमने भी वीडियो बहुत देखी है, उसमें कोई कुछ बताता है, कोई बताता है, लेकिन बाद में हमारा काम खराब हो जाता है, कोई कुछ बता रहा है। डोंट वरी, लाइव टेस्ट करेंगे सारे पत्थरों पे, हल्दी, गरम तवा, सारी चीज रख के देखेंगे, डोंट वरी। तो क्या नैनो व्हाइट हीट रेजिस्टेंस है? बिल्कुल, नैनो व्हाइट जो है वो हीट रेजिस्टेंट है। इसमें G5, G7, G9 ऐसे करके सीरीज आती है, कुछ नहीं है इसका, सेम ही चीज होती है।
नैनो वाइट पत्थर आप मान लो एक तरीके का ग्लास है, क्योंकि फाइबर ग्लास के मिक्सचर से बनता है, तो एक तरीके का कांच मान लो। क्या स्टेनलेस स्टेंट है, मतलब कि क्या ये पोरस पत्थर है? नहीं, ये नॉन पोरस है, मतलब ये भी किसी टाइप के केमिकल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तीसरा, इसमें होगा क्या कि इसकी बफिंग या रिपॉलिश नहीं हो सकती। नेक्स्ट, कलर फेड, क्या नैनो वाइट का कलर फेड होगा? यस, 5 साल के बाद नैनो वाइट का जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है। लंबा भी चल सकता है, लेकिन अगर आप उसकी केयर वैसे करते हैं सिर्फ तब। स्ट्रेंथ के मामले में नैनो वाइट बाकी पत्थरों से काफी कम होता है, तो इसको हम देंगे 10 में से 7 नंबर। अब क्या हमें इंटीरियर किचन काउंटर टॉप में यूज करने चाहिए? मैं नहीं करने वाला। स्क्रैच आ गया इजिली तो पोरस पत्थर बन जाएगा। साथ के साथ हीट रेजिस्टेंट, मतलब कि भाई उसमें गर्म तवा रख दिया तो उसका कलर भी उड़ जाएगा। तो नैनो वाइट तो मैं अपने घर में नहीं रखने वाला। तो यार भाई, फिर नैनो वाइट पत्थर होता किस लिए, कहाँ लगाया जाता है? ये ज्यादातर लगाया जाता है ऑफिस टेबल काउंटर के लिए, रिसेप्शन काउंटर के लिए, या रिसेप्शन की टेबल है उसके लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ना व्हाइट बहुत पसंद होता है, तो वहां पे आप डाल सकते हो, डाइनिंग टेबल पे आप डाल सकते हो, ब्रेकफास्ट काउंटर पे से डाल सकते हो, लेकिन प्रॉपर किचन की यूज के लिए नैनो व्हाइट मैं नहीं लगाने वाला हूं। क्या इजी टू क्लीन है? यस, इट इज इजी टू क्लीन पत्थर, लेकिन इसकी एक और डिसएडवांटेजेस है। अगर नॉर्मल वो आप नॉर्मल घर के पानी से, और वो क्या बोलते हैं, अरे वो निर्मा वगैरह आता था ना, वो सर्फ का पाउडर जो आता था, उससे साफ करोगे तो ये खराब हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर केमिकल और कपड़ा भी अलग से चाहिए। ये नहीं कि घर के जूने से लग गए भैया चलो कर दो साफ, वो नहीं करना है। टिप्स मैंने आपको बताई दी है, तो ये अब आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होने वाली है भैया हमारी टाइल। कि मनीष आजकल ना एक टाइल आने लगी है, क्या वो लगा सकते हैं? देखो, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। टाइल में वो सारी क्वालिटीज हैं जो मैंने अभी तक ऊपर बताई हैं, जो अच्छी क्वालिटीज हैं। कि एक जो इसका एज बनता है वो फुल बॉडी विट्रिफाइड तो होता है, लेकिन जो एज बनता है वो दिखता तो सेम कलर का है, बट वो पॉलिश नहीं उस पर हो पाती है, जिसकी वजह से वो एक जो पार्ट है वो थोड़ा सा मुझे अलग सा दिखाई देता है। तो भाई वैसे तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अब रॉ दिखाने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास तवा तो है नहीं, तो हम कोई भी टपड़ी वाला ढूंढेंगे जहां पे हम इस पत्थर को लेके जाएंगे और वहां पे तवा रख के चेक करेंगे कि भाई ये पत्थर जला या नहीं जला। और लास्ट में फिर मैं बताऊंगा कि मैंने अपने घर में कौन सा पत्थर सिलेक्ट किया है। तो गाइस देख रहे हो भाई, ये पत्थर लाने में, सिलेक्ट करने में दिक्कत क्या हुई पता है? कि जो ये क्वार्ट्ज और नैनो वाइट, इनकी जो पत्थर आते हैं उनके टुकड़े अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको पूरी शीट ही खरीदनी पड़ेगी। ये भी इसका सबसे बड़ा वो क्या डिसएडवांटेज, कि अगर आपने सोचा आपका पत्थर कहीं से टूट गया, चलो मैं टुकड़ा ला के रिपेयर कर लेता हूँ, पॉसिबल नहीं है। पूरी शीट लेनी पड़ती है, जो कि 8-9 हज़ार रुपये का एक पूरा मार्बल का पूरी शीट, मतलब कि पूरी स्लैब आती है। तो आपके लिए भाई पैसा खर्च किया है, इसमें टोटल हमारे 35,000 खर्च हुए हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी बताना। तो मैं और मेहनत करूंगा कि इस वीडियो में क्या मिसिंग था जो मैं आपको इजीली बता सकता था। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, मैं तो सोच सोच के थक गया हूं, इस पे डालूं या उस पे डालूं। आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पे बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप अपना घर सुंदर बना सके। और मेरा विजन क्या है यार, इंडिया में ना चाहे किसी का बजट लो है, चाहे किसी का बजट हाई या किसी का मीडियम, घर यार सबका सुंदर होना चाहिए। नहीं तो भाई, मैं अपने घर में पत्थर लगाने वाला हूँ क्वार्ट्ज, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स बताता है, लेकिन मुझे एक चीज का बस ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगर मैंने गर्म तवा रखा तो ये गड़बड़ कर सकता है। तो उसके लिए मैं अपनी मेड को समझा के रखूंगा और घर में सबको बोल के रखूंगा भैया इस पत्थर के ऊपर गर्म चीज नहीं रखनी है। बाकी अगर आप टफर चीज चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, आपको ऐसी कोई ध्यान रखने वाली चीज ही नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ है ग्रेनाइट। टाइल पे भी मत जाना, ग्रेनाइट इज द बेस्ट ऑप्शन, उस पर जाओ, मस्त चीज, सुहानी लाइफ हो जाएगी।